तो भाई ये तो सबको पता था यार, बंधन बैंक जो है गिर रहा है, तो ऑब्वियसली रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आने वाले हैं। बट यहाँ पे जो है एक और बुरी खबर आ गई है कि भाई एस्टीमेट्स को भी जो है वो तोड़ के नीचे को भाग गया है। तो मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, कहाँ पे आपको जो है क्या एग्जिट, क्या लॉस, क्या जो भी है सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखो, बहुत छोटी वीडियो आपको दिख भी रहा होगा, तो फटाफट कवर करते हुए चलेंगे चीज़ों को। वीडियो सेक्शन में जाओगे तो ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है एयरटेल शेयर से रिलेटेड, इसको ज़रूर चेकआउट कर लेना गाइस। तो यहाँ पे सब चीज़ों को समझेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं भाई यहाँ पे जो है डिविडेंड भी दे रहा है, ये देखो डिविडेंड दे रहा है 8 मई को ही ये जो है डिक्लेयर किया गया कि 1 रुपया आपको मिलेगा एक शेयर पे डिविडेंड दे रहा है। तो आई डोंट नो डिविडेंड की वजह से तो कोई खास वहाँ पे बैठेंगी नहीं चीज़ें, बट फटाफट जानते हैं रिजल्ट के ऊपर चलते हैं फटाफट से। तो गाइस यहाँ पे मैंने रिजल्ट्स खोल लिए हैं, यहाँ पे मैं आपको कुछ चेक करवाता हूँ। यहाँ पे देखो सबसे पहले तो किसकी वजह से कमी आई है, यहाँ पे जो प्रॉफिट बहुत कम हुआ है इस बार कंपनी को, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो देखो मैं ऊपर चेक भी करवा देता हूँ, तो गाइज ये देख सकते हैं आप, ये वाले जो है पुराने क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं, ठीक है, और ये वाले हैं इस क्वार्टर के रिजल्ट्स। और यहाँ पे अगर देखो तो ये पुराने साल का डेटा है और ये इस साल का डेटा है। तो हम जो है पहले क्वार्टरली वाला चेक कर लेते हैं। क्वार्टरली में देखोगे अगर इनकम की बात करें ना यहाँ पे, तो पहले 334 था, अब 386 और 378, तो हाँ थोड़ा सा जो है डिक्रीज़ हुआ है, बहुत ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ा डिक्रीज़ तो हुआ है। बट यहाँ पे बात करें अगर मैं प्रॉफिट आपको दिखाता हूँ यहाँ पे टोटल प्रॉफिट, तो देखो यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, पहले जो है 191 का था पिछले क्वार्टर में, इस बार 172 का है, थोड़ा नॉर्मल है। बट यहाँ पे ये है प्रोविजन से पहले के प्रॉफिट्स। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें यहाँ पे, तो पिछले साल मतलब पिछले क्वार्टर में 63,000 थे, इस बार भाई सिर्फ 10,000 रह गए हैं भाई इनके पास प्रॉफिट। ओ माय गॉड, तो ऐसा क्या हुआ यहाँ पे आप लोग बहुत सोच रहे होंगे, तो कुछ नहीं भाई, यहाँ पे जो है एनपीएस बढ़ गए हैं। जहाँ पे एनपीएस 85,000 99,000 रहते थे, बल्कि 1 लाख से कम रहते थे, इस बार सीधे 5,75,000, दैट इज अराउंड 6 लाख। यहाँ पे जो भाई इतने बुरे एनपीएस के रिजल्ट आए हैं कि भाई 6 लाख के आसपास जो है यहाँ पे एनपीएस जा चुके हैं। देखो इसके पीछे रीज़न बहुत ही साइकोलॉजिकल रीज़न है, कोरोना। यहाँ पे हुआ क्या भाई, देखो ये लोन किसको देता है आपको पता है, छोटे जो बिजनेस होते हैं उनको लोन देता है कोरोना में। भाई छोटे बिजनेस पे ही लात मारी है, उनके ही पेट पे लात मारी गई है कोरोना में। एंड भाई आपको पता है वहाँ पे तो वो बिज़नेस तो ठप हो गए, तो वो कहाँ से देंगे पैसा इनको, ठीक है, तो वो एनपीएस में चले गए, इसलिए इनके एनपीएस बढ़ गए हैं। अब इन बेचारों को भी क्या गलती है बंधन बैंक वालों की, बट जो भी है अभी सीन यहाँ पे बुरा हो चुका है। तो अभी कितना गिर सकता है, क्या रह सकता है, उसके बारे में फटाफट से बात करेंगे। तो गाइस देखो यहाँ पे मैंने टेलीग्राम पे ओपनली बताया था, देखो फ्री टेलीग्राम है, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हैं, मैं दिखा भी दूंगा यहाँ पे क्या है। यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने लिखा था आई एम बाइंग बंधन बैंक एट करंट मार्केट प्राइस, उस समय चला था 300। 300 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, क्योंकि मुझे लगा था कि इसको नहीं तोड़ेगा तो यहाँ से बाउंस बैक ले लेगा। तो मैंने 320 शॉर्ट टर्म टारगेट दिया था और 335 मीडियम टर्म टारगेट भी दे दिया था। एंड मैंने कहा था स्टॉप लॉस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर नीचे आ गए तो एवरेज करेंगे। 8 मई को रिजल्ट की बात भी हो गई थी, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे बहुत बुरा जो है गिर गया शेयर। एंड मुझे लगा कि हाँ यार यहाँ पे एग्जिट कर देना चाहिए चुपचाप, तो फिर मैंने यहाँ पे बोल भी रहा था आई एम नॉट गोना सेल सिंगल शेयर ऑफ बंधन बैंक बिकॉज आई कैन होल्ड इट पोजिशनली टू एंड विल डू एवरेज ऑन लोअर लेवल। 300 पे गया था खरीदने को एंड नाउ इट्स 301, 1 रुपये का फायदा शेयर पे मैंने लोगों को बिकवा दिया कि भाई आप शॉर्ट टर्म वाले तो इससे निकल जाओ। 301 रुपया, मतलब कि 1 रुपया भी अगर आपको एक शेयर पे प्रॉफिट होता है एंड अगर आपने गलती से 1,000 शेयर भी ले लिए हैं, तो 1,000 रुपये तो प्रॉफिट में लेके निकलो एटलीस्ट। तो मैंने जो भाई शॉर्ट टर्म वाले को निकलवा दिया था। एंड मैंने बोल भी दिया था कि अगर शॉर्ट टर्म के लिए खेलना ही है टारगेट्स के लिए, मतलब कि वो मीडियम टर्म के लिए, तो 320 के लिए आप वेट कर सकते हैं, 320 100% शुरू भाई आएगा। एंड अभी भी मैं इसी के ऊपर स्ट्रिक्ट हूँ कि हाँ भाई आएगा। तो आप चाहो तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ, देखो विजू स्टॉक मार्केट एंड आप जगह सर्च कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट भाई देखो मंडे को मार्केट हो सकता है गैप डाउन हो एंड वहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तो आपको जो है स्विंग कॉल्स वगैरह, शॉर्ट टर्म कॉल एंड मीडियम टर्म कॉल्स वगैरह तो यहाँ पे सब फ्री में मिल जाएगा। बट कुछ सेफ कॉल्स भी आपको लेनी चाहिए जहाँ से आपको थोड़ा बहुत कमाई अच्छी खासी हो, जैसे टाटा स्टील हो गया, मैंने दिलवाया था यहाँ पे उस समय तो फ्री में दिलवाया था। एंड आप लोग के लिए मैंने एक ज्वाइन बटन नीचे एनेबल कर दिया है, सिर्फ 89 रुपीज़ भाई, इतना तो आप लोग टैक्स वैक्स में कट जाता है, टैक्स GST और वो DP चार्जेस में कट जाते हैं 89 रुपीज़, तो भाई नॉट इवन 100 रुपीज़, 100 रुपये भी नहीं रखी है मैंने इसकी कीमत। एंड ये जानबूझ के मैंने इतना कम रखा है ताकि यार सब कोई अफोर्ड कर पाए। तो मैं चाहता हूँ भाई लिटरली कि आप लोग ज्वाइन करें उसको फटाफट से, सिर्फ 89 रुपीज़ आपको सबमिट करने हैं, वहाँ पर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मंडे को मिलने वाली है बहुत तगड़ी कॉल्स, पहले बता देता हूँ मंडे को होगा धमाका भाई, मार्केट गैप डाउन हुई तो बहुत बहुत सारी अपॉर्चुनिटी यहां पे एनेबल हो जाएंगी। मंडे को तैयार रखना पैसा और फटाफट से कर लो ज्वाइन बटन को क्लिक नीचे।
तो भाई अभी टारगेट वागेट के बता तो मैं देखो यहाँ पे जो मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला क्योंकि मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में दे दिया है, ठीक है। तो इसका जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। बंधन बैंक लेटेस्ट न्यूज़, वाई बंधन बैंक शेयर फॉलोइंग, यहाँ पे देखो यहाँ पे 200 तक का लेवल आ सकता है क्या, क्या लॉस में बेच दें, टारगेट 563 है बट। तो यहाँ पे करना क्या है, इसमें पूरी टेक्निकल एनालिसिस मैंने सिखाई है किस लेवल पे आपको कैसे काम करना है, उसी लेवल पे अभी भी ट्रेड कर रहा है ये, ठीक है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये आप लोग के लिए वीडियो, प्लीज़ इसको चेकआउट कर लो। बंधन बैंक टारगेट करके मैंने नीचे लिखा होगा, नीचे वीडियो डाल दिया मैंने, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक आपको, बंधन बैंक टारगेट, ठीक है, इतना लिखा होगा बंधन बैंक टारगेट, उसको जाके फटाफट से चेकआउट कर लो गाइस, ठीक है। तो और टिकट पे मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो भाई देखो बंधन बैंक का जो टिकट पे दिखा रहे हैं वो 563 हाई दिखा रहे हैं, 409 जो है लो मतलब मीडियम दिखा रहे हैं। तो इतना तो मान के चलो 400 तो किसी भी हालत में आएंगे, और मैं ये तब से बहुत पहले से कह रहा हूँ भाई 400 के लेवल आ जाएंगे, 400 के लेवल आ जाएंगे, आप टेंशन इतना ज़्यादा मत लो, बस इसको थोड़ा होल्ड करो पोजिशनली। एंड पर्सनली मेरी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है उसके बारे में मैं फटाफट से बताता हूँ, ये ज्वाइन कर लो फटाफट से पहले। तो हाँ, जो मेरी स्ट्रेटजी रहने वाली है भाई, देखो मैं जो है भाई 285 का वेट कर रहा हूँ। अगर मेरे को इस लेवल में मिल जाएगा तो मैं यहाँ पे जो है ज़रूर एवरेज करूँगा अपना, अच्छा खासा क्वान्टिटी यहाँ पे लगाने की सोच रहा हूँ, बट इतना भी नहीं कि बहुत ज़्यादा, ठीक है। अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो का सिर्फ 10% एक ट्रेड में आपको लगाना चाहिए। अगर मेरे को 285 से 280 के लेवल मिल गए तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एवरेज करूँगा, फिर उसके बाद वेट करूँगा 250 के लेवल का। अगर 250 का लेवल आ गया तो यहाँ पे जो मेरी अच्छी खासी जाएगी एवरेजिंग के लिए, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से सारे टारगेट आपको बता दिए, इस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना, अच्छे अच्छे टारगेट क्या रह सकते हैं, सीन सब कुछ डिस्कस किया है वीडियो में। तो रोकते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, होस्ट दोस्त ऑनली विशाल सुशील, बाय, ग्रेट डे, टाटा।